वेलकम बैक। सो या बहुत दिन बाद फिर से ब्लॉग करना स्टार्ट किया मैंने। एक्चुअली इन बिटवीन मेरा मैंने कोशिश किया, ऐसा नहीं है नहीं किया मैंने, एंड बहुत सारा चीज़ें भी हुआ है उसके कारण मैं नहीं कर पाया। मेरे को जो लोग नहीं पहचानता, मेरा नाम पीटर है, मैं यूके पे 5 साल पहले आया हूँ और मैं ये ब्लॉग इसीलिए स्टार्ट किया हूँ जस्ट बिकॉज मेरे खुद के फ्रेंड्स जो लोग हैं ना, इनफैक्ट कोई किसी भी इंसान से मैं पूछ लूँ या बात कर लूँ, वो लोग से जब भी बात करता हूँ, वो लोग जब भी यूके पे आना चाहता है या कुछ भी, वो लोग को सिर्फ एक ही जगह पता है, वो है लंदन। बस यही वो लोग को मालूम है और यही तक वो लोग समीप्त है। लाइक उन लोग का उसके बाहर कुछ है ही नहीं, उन लोग को पता भी नहीं है कि उसके बाहर और भी कितना कुछ है यूके पे। तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, अभी मैं यहाँ का रेसिडेंट बन चुका हूँ, रिसेंटली बना हूँ फॉर गॉड ग्रेस। तो मैं इस मूमेंट के लिए बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा था कि मैं ये चीज़ मेरा जैसे ये कंप्लीट हो जाता ना, देन आई विल क्विट माई जॉब, मैं अपना जॉब छोड़ दूंगा और मैं प्रॉपर फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनूंगा एज ए यूट्यूबर इस कंट्री में, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, बहुत कमी है इस कंट्री में जो लोग ऐसे करके ब्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवलिंग स्पेशली और यू नो यहाँ का लाइफस्टाइल दिखाना। मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज के बारे में नहीं है, बिकॉज बहुत कोई है ऐसा, आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगा, आप अगर स्टूडेंट हो यहाँ पे आना चाहते हो वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हो, वो सब के लिए आपको इनफ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है और कंसल्टेंट है, यू नो एजेंसीज है, उन लोग के थ्रू आपको ईजिली हेल्प मिल सकता है यहाँ पे आने के लिए। उसीलिए मैंने डिसाइड किया मैं उस बारे में इस चैनल को बनाऊंगा नहीं, मैं इस चैनल को बनाऊंगा मेरे इंडियन ऑडियंस स्पेशली या एशियन ऑडियंस जो भी हो, पाकिस्तानी हो, श्रीलंकन हो, जिन लोग को हिंदी समझ में आता है, बांग्लादेशी हो, उन लोग के लिए स्पेशली बना रहा हूँ ताकि वो इस कंट्री में आए और सिर्फ लंदन घूम के ना जाए, क्योंकि लंदन के बाहर भी बहुत कुछ है, बहुत सारे कुछ है जो देखने लायक है यूके पे, एंड मैं वो हर एक छोटे छोटे चीज़ जो आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे आके, वो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो पे और इस चैनल पे, मैं वही दिखाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। फिलहाल आज हम लोग जा रहे हैं एक सफारी पार्क विच इज़ वेरी फेमस इन यूके, ये इंग्लैंड पे है और ये आपका बोलने से बर्मिंघम के आसपास है, थोड़ा बहुत लंदन से अराउंड 3 आवर्स डिस्टेंस, आप ट्रेन से भी आ सकते हो और गाड़ी से भी आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑब्वियसली गाड़ी, बिकॉज इस सफारी पे आपको ऑब्वियसली अपना गाड़ी यूज़ करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप उधर गाड़ी कार हायर भी कर सकते हो, बट आप अगर लंदन से आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो तो इट्स बिट ट्रिकी, अगर आपके पास गाड़ी है तो इट्स ऑलवेज कन्वीनियंट। यहाँ पे क्या है ना, गाड़ी होना, अगर आप बाहर से भी आ रहे हो ना इंडिया से, कुछ अगर पैसा है थोड़ा बहुत, पैसा इधर उधर खर्चा होगा ही आपको, आप जहाँ पे भी जाओ ना, इवन लंदन पे भी रहो ना तो खर्चा होगा, उससे अच्छा अगर रेंटेड ले लेते हो कुछ यू नो एंटरप्राइज बोल के एक कंपनी है, मैंने खुद उससे, मैं जब स्कॉटलैंड गया था तो मैंने खुद उन लोग से गाड़ी रेंट लिया था। इट इज़ वेरी सिंपल, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप वॉकिंग कर नहीं सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली एनिमल्स हैं, हम कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप गाड़ी लेके ही जा सकते हो। यहाँ पे कुछ लॉजेस भी है मैंने जो देखा कल रात को, आप ऑनलाइन पे ये सब बुक कर सकते हो। इसका नाम है वेस्ट मिडलैंड सफारी पार्क, ठीक है, और ये आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, एंड सेकेंडली आप ये गाड़ी आप वहाँ आपके पास, जैसे मैंने कहा कि आपके पास अगर गाड़ी नहीं भी होता है तो फिर आप वहाँ पे मिनी बस टाइप का कुछ है, मैंने जो देखा कल ऑनलाइन पे, ऐसा आप बुक भी कर सकते हो और वहाँ पे आप रह भी सकते हो, वहाँ पे लॉजेस भी है, तो बहुत सारा फैसिलिटीज़ है वहाँ पे जो हम लोग ऑब्वियसली जाके दिखाएंगे, मैं जितना हो सके मैं दिखाऊंगा। वहाँ पे पार्क टाइप का भी है, लाइक फेयर भी है, लाइक यू नो ऑल दोज झूला वगैरह जो हम लोग बोलते हैं हम लोग के लैंग्वेज पे, वो सब भी है, वो सब भी आप एक साथ इंक्लूड कर सकते हो टिकट के साथ। आप बच्चे के साथ आ रहे हो तो आई थिंक अराउंड 1950 या ऐसा कुछ लगता है, ठीक है ना। अब बच्चे के साथ आते हो, आई थिंक उसने मैंने देखा कि उस एक बच्चे आपके अगर एक बच्चा है तो उसका फ्री होगा, ऐसा मैंने देखा कल, तो आई मीन फैमिली फॉर फैमिली ये बेस्ट है फैमिली पार्क, एंड खुद के लिए भी अगर जिन लोग को लाइक सफारी बहुत पसंद रहता है वो लोग भी ये सब एडवेंचर यूज़ कर सकते हैं, यू नो ये दीज आर यूनिक थिंग्स, ये सब आके देखो। हाँ ठीक है, लंदन में मान रहा हूँ बहुत कोई
अच्छा लगता है लंदन पे आके, यू नो, पसंद है सिटी लाइफ देखना, बट ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, लंदन पे एक दिन लगता है वो सब बम पैलेस और लंदन आई, लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज, ये सब देखने में एक दिन सिर्फ लगता है, ट्रस्ट मी, सिर्फ एक दिन आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, पर बाकी दिन क्या करोगे? एक महीने के लिए अगर आप छुट्टी पे आते हो तो बाकी दिन क्या करोगे? ये सब करो ना, ये सब करो और थोड़ा इन्जॉय भी करो, क्योंकि और ऑब्वियसली बेस्ट होगा अगर आप समर टाइम पे आओ। आज लकीली वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इवन दो मैं, आप देख पा रहे हो मैं जैकेट ऑलरेडी पहन लिया हो, ये फर्स्ट टाइम मैं अभी जैकेट पहन के निकल रहा हूँ इस ईयर पे आफ्टर समर, क्योंकि ठंडा ऑलरेडी गिर चुका है, ये लास्ट वीक से ठंडा गिर चुका है, तो जैकेट पहनने लायक वेदर हो चुका है ऑलरेडी। अभी थोड़ा गर्म है, अभी इट्स ऑलमोस्ट 20 डिग्री, तो ठीक है वेदर अच्छा है, पर शाम तक ठंडा हो जाएगा, इसीलिए मैंने जैकेट सेफ साइड, यूके पे आओगे ये सेफ साइड आपको रखना पड़ेगा कि जैकेट हमेशा लेके घूमना है, ठीक। तो फाइनली हम पहुँचे, 2 घंटा लगा, तो एक्चुअली 2 घंटे से ज़्यादा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, बट पहले मैं ये एंट्रेंस दिखाता हूँ आपको सबको, ये है जो एंट्रेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो या हम लोग का एक्चुअली टाइमिंग है 2 बजे तक, 10 से 2 बजे तक घुसना चाहिए था, बट हम लोग नहीं घुसे अभी तक, हम लोग ऑब्वियसली लेट आए एज ऑलवेज। एंड हेलो, गुड मॉर्निंग, चौक गए? लगा कि आप सफारी पार्क दिखेगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो या बेसिकली क्या हो गया, अब कल जो हम लोग लेट पहुँचे एंड हम लोग को वहाँ पे एंट्री नहीं मिला, तो प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने जो टिकट बुक किया था वहाँ पे लिखा हुआ था 10 बजे से 2 बजे तक, तो मुझे लगा एटलीस्ट 2 बजे होगा तो वो लोग जाने देगा, तो दो तो बजा नहीं ट्रैफिक के कारण, थोड़ा और लेट हो गया, बट मुझे लगा ठीक है चलो वो एडजस्ट कर सकते हैं, वो शायद नहीं करेगा या पता नहीं, तो मैंने रिक्स ले लिया। तो उसमें भी वो लोग ने बोला कि 2 बजे भी नहीं, वो 1 बजे के पहले आना पड़ेगा और 1 बजे क्लोजिंग डेट है अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो, और वॉकिंग के लिए 2 बजे तक ठीक है, क्योंकि वो दो जगह है उसके अंदर सफारी पार्क के अंदर, एक है ड्राइव थ्रू और एक है वॉकिंग थ्रू। तो वॉकिंग एक जो है उसमें आप वॉक कर सकते हो, वो लाइक अ जू काइंड ऑफ ए थिंग है, जो मैंने कल देखा, जो मैं आज दिखाऊंगा वो है लाइक, आप उसमें गाड़ी का ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे वॉक कर सकते हो, वो 5 बजे तक ओपन रहता है, और जो सफारी होता है ना वो तो आई थिंक 4 बजे तक मैक्सिमम ओपन रहता है, 4 बजे तक जितना मुझे सुनने में आया, तो इसीलिए वो मुझे अलाउ नहीं किया घुसने के लिए क्योंकि वो बंद हो जाता। तो एनीवे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँ, तो मैं बहुत सोचा सोच के फिर यहाँ पे एक अकोमोडेशन मिला, ठीक है ना, सस्ते पे, क्योंकि मैं यहाँ से 2 अढ़ाई घंटा दूर हूँ, ठीक है ना, वो अराउंड जाने में से भी 100 miles, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग में मैं कल रात को था, और ये मेरा गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी पार्क किया हूँ। सो बेसिकली मैंने डिसाइड किया कि 2 घंटा सिर्फ जाने में, 2 घंटा फिर आने में, चलो कल फिर घर जाऊंगा, फिर रिटर्न आऊंगा आज, फिर तब यहाँ पे ही मेरा हो गया 400 miles, ठीक है ना, फिर कल अगर रिटर्न जाता तो उसका और 200 miles, तो टोटल 600 miles मुझे ये 2-3 में सिर्फ कवर कर, टोटल 600 भी नहीं, 800 एक्चुअली इन टोटल। तो मैंने सोचा यार छोड़ो, क्योंकि मेरा ये मैंने बुक किया ये 45 pound जैसा मुझे पड़ा, ठीक है ना, 45 pound जैसा पड़ा, तो मैंने सोचा ठीक है चलो यही बुक कर लेता हूँ, क्योंकि 45 pound मुझे ऐसे भी पे करके फिर तेल भर के, मुझे पेट्रोल भर के फिर रिटर्न जाना पड़ता और आना पड़ता, तो मैंने सोचा इतना मेहनत यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ, कल सुबह जल्दी उठ के चला जाऊँगा। तो बस ये अभी 8:30 बज रहे, तो अभी मैं चेकआउट कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ, और फिर या यहाँ से मैकडोनल्ड्स जाऊँगा, कुछ ब्रेकफास्ट करूँगा, 10 बजे वो ओपन होगा, बस उसके एकदम आज टाइम पे, आज देखता हूँ कौन रोकता है भाई को, आज देखता हूँ कौन रोकता है, चलो। सो दिस टाइम आई फाइनली मेड इट ऑन टाइम, या दैट्स फाइन। अच्छा ये एंट्री गेट है,
सफारी एडवेंचर, देयर यू गो। सारा जुरासिक वर्ल्ड जैसा, जुरासिक वर्ल्ड जैसा वाइब आ रहा है। ले ऐसा कहा लग रहा है, वो जो क्रिसमस में जो दिखाता है ना, जो क्रिसमस सांता, सांता क्लॉस का जो गाड़ी खींचने वाला, हेलो जी नमस्ते, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, हेलो जी नमस्ते नमस्ते, केम छो, हेलो आचो, ए काचो कानो क्यों छे, ये की बोले छे, किसने क्या बोला, बोलो मुझे अभी, मेरा बाप को नहीं मानते हो। ये देखो भैंस, भैंस की आंख, भैंस की आंख। तो अपने देश में भैंस, भैंस का दूध पीते थे, अभी इधर आके भैंस देख रहे हैं। और ये देखो राइनो, ये वाला सामने वाला, अरे साला ये कितना सामने है, ये पहले पहले इसको उठाता हूँ, आके बड़ा देगा एक पिछवाड़ा, कितना बड़ा है इसका, हिंदुस्तान, अरे आओ ललिता, आओ ललिता, शर्मा गए का, आओ शर्मा गए, ओके डू नॉट डिस्टर्ब मोर, ये तो ऑर्किड, नहीं ऑर्किड नहीं, ऑर्किड नहीं, अबे क्या नाम है इसका, ऑर्चिड, 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 साला अबे ठोकना मत, ठोकना मत, रुक रुक रुक, हेलो 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 हेलो, हाय बाय, हाय इधर इधर, अबे इधर हूँ, अबे अभी आया ना याद, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, इसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं, साला ऑस्ट्रिच का नाम भी भूल गया मैं, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे आके ना बहुत कुछ भूल जाता है, ठीक है चलो, कल से जो कुछ हो रहा है ना मेरे साथ, ऐसे में बहुत कुछ भूल जा रहा है। एनीवेज ऑस्ट्रिच नाम है इसका, सबको मालूम होगा, बट या मेरे को भी मालूम था बट भूल गया, फिलहाल भूल गया, सच्ची में भूल गया था। देखो कितना सारा डी आर है, डी आर, डी आर, ये दूसरा टाइप का डियर है, ये है फिलिपाइन स्पॉटेड डियर, फिलिपाइन स्पॉटेड डियर इसका नाम है। आ गए हैं डेंजर जोन पे, डेंजर, एवरीबॉडी इज अ डेंजर, वार्निंग साइन, कीप डोर्स एंड विंडोज सनरूफ्स लॉक्ड, स्टे इन योर व्हीकल ऑल टाइम, साउंड योर हॉर्न फॉर असिस्टेंट। मतलब आगे खतरा है, खतरा है आगे, खतरा, खतरा, लैंड ऑफ द पेंटेड डॉग, डैम इसके लिए अलग से का गेट भी लगा हुआ है, आई होप इट्स ओके, आई होप, साला ये तो डेंजर लग रहा है देखने में, खुल गया खुल गया खुल गया, साला ये सच्ची में डरावना लग रहा है, माँ कसम ये डरावना लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है, वो सब फिर भी ओपन ओपन था, ये वाला दो दो गेट के अंदर है, मतलब इसमें खो तो रहा है, टाइगर वगैरह सब इधर ही है शायद, क्योंकि वो सब तो ओपन रख नहीं सकता ऐसे करके, तो और बार बार वार्निंग दिया है कि गेट बंद रखो, गेट बंद रखो, गेट एंड विंडोज कीप इट क्लोज, लेट्स सी, लेट्स सी। अच्छा अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, हाँ ओके, वहाँ पे लग रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली भौंकड़े हैं, बैठे हुए हैं, एक ही जगह पे बैठा हुआ है, मड़ा ऐसा, मड़ा मड़ियल, आए उठो बाबू,
काहे ला सोता, सुबह हो गया, सुबह हो गया मामू, उठ जा उठ जा उठ जा, अभी लग रहा है शांत बैठा हुआ है, पर ये लोग साला बहुत डेंजर होता है, जंगली कुत्ता हम लोग जिसको बोलते हैं, आई थिंक वही है। अभी और एक, बाप रे बाप, अरे उधर लायन का साइन दिख रहा है मुझे, डैम। अब इसके लिए अलग से दो गेट। एंचो 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 एंचो, इतना सारे सिक्योरिटी है बट तब भी इतना डर लग रहा है यहाँ पे। सोचो अपना गाड़ी में ऑफ रोड ट्रैक भी है। ओके खुल गया, खुल जा सिम सिम। अफ्रीकन लायन है इधर, अफ्रीकन लायन किधर है बाबू, अफ्रीकन लायन। दिख गया उधर ही छे बैठा है, वेटिंग लिस्ट पे है, वेटिंग। डैम इस साला कितना सारा है, वाव। डैम लायन को इतना सामने से पहली बार देख रहा हूँ, वो भी ओपन। डैम। हेलो, कितना सामने है। साला व्हाइट लाइन भी होता है इधर, देखो व्हाइट लाइन भी है। ये देखो हम लोग का देश का राइनो इधर है। इंडियन कहा है, इंडियन फ्लैग किधर है इसका, इंडियन फ्लैग लगना चाहिए ना पिछवाड़े में। देखो इंडियन राइनो, ये इंडियन राइनो है। हाँ देख के लग ही रहा है इंडियन है। जैसे खा रहा है। पाइंस की आंख। घर भी बनाया है ऐसा लग रहा है, लाल किला पे बनाया है, लाल किला, पूरा इंडियन वाइब। भैंसा बना दिया उसको इधर का। राइनो का कोई मान इज्जत ही नहीं रखा। तो जिराफ है, जिराफ के साथ इधर मैंने जो बोला था पहले लॉज आप बुक कर सकते हो, तो ये देखो वो स्टार्टिंग में भी लॉज देखा था आपने, तो यहाँ पे भी ये देखो ये क्रॉस कर रहा है, मस्त लग रहा है, क्रॉस कर रहा है, मस्त लग रहा है। हाँ तो यहाँ पे आप जिराफ के साथ ऐसे लॉज बुक कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कौन सा एनिमल के साथ आप बुक कर रहे हो, बट ये देखो साला कितना लंबा है, ऊंची है बिल्डिंग। ये लोग को देख के साला ये की चीज है, ऊंची है, वो वाला गाना ही याद आ रहा है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, ऊपर क्या ढूंढ रहा है। हेलो साला इतना बड़ा पिछवाड़ा है। एनीवेज हाँ तो क्या इधर लॉज है, ये लॉज वगैरह आप बुक कर सकते हो, ये सब
डिपेंड करता है कौन सा एनिमल के साथ आप बुक कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब आई थिंक थोड़ा सस्ता गिरेगा कंपेयर टू आप अगर टाइगर या इसके साथ बुक करते हो तो लायन वगैरह के साथ व्यू बुक करते हो तो उसके कंपेयर टू ये वाला थोड़ा सस्ता गिरेगा। सो अभी ऑब्वियसली वो वाला कवर हो चुका है तो अभी हम लोग जाएंगे सफारी पार्क जो मैंने बोला था वॉकिंग जो है जो कि ऐसे दिखने में है, एंट्रेंस ऐसा है। सामने वहाँ पे टिकट सेंटर है वो वाला और यहाँ पे कुछ शॉप्स भी है इस तरफ। खाने का ज़्यादा है यहाँ पे, खाने का रेस्टोरेंट वगैरह पब्स कैफे टाइप का कुछ है। और इस तरफ जो है इस तरफ ये शॉप टाइप का है कुछ। ये मेरे पीछे बंदा और इस बंदे को तो पहचानते ही हो आइस एज से। नॉर्मली ऐसा ही होता है पर हुआ नहीं अभी तक कुछ। माँ पप्पी है इसको देखो भाई, माँ कसम भाई इतना बड़ा कच्चा चबा जाएगा हम लोग को। ऑनेस्टली बोलो यहाँ पे अफ्रीकन स्टाइल का बहुत सारा विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखो, ये घर देखो पीछे मेरे, लाइक ये टोटली आप सीरियस क्यों है? देखो हेलो हेलो भाई भाई शलाई इधर उल्टा के सोड़ा है गर्मी में, कैसे सोड़ा है देखो उल्टा के। हेलो हेलो मैम साहब हेलो कुकड़ा के उन लोग का नाम क्या है? डिस्टर्ब कर दिया एंचोत। देखो उधर जाके उंगलीबाजी करना है उसको, इधर हुआ नहीं उधर जाके उंगलीबाजी करना है। टू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट डेंजरस। देखो हो गया नींद कंप्लीट। नमस्ते कैसे हो? सब ठीक? किधर हो? बॉय घुसा कैसे हो? इधर बहुत सारा सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट भी है, अंदर कैफे टाइप का है। ये एक वन ऑफ देम इज दिस वन, इसका थीम ही है डायनासोर जैसा, तो डायनासोर का थीम है ये। अच्छा है, इट्स नाइस। इधर भी आप खाना के ट्राई कर सकते हो, पिज्ज़ा वगैरह मिलता है और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। बढ़िया, इट्स नाइस। हेलो गाइस, सो फार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ही रहा, ठीक है ना। अभी आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ चुके हैं तो कुछ कुछ एनिमल्स हम लोग को दिखा, कुछ कुछ नहीं दिखा। ट्राई करना इन बिटवीन आई विल से हम लोग मतलब एग्जैक्टली 10 बजे के पहले पहुंच गए थे तो दैट वाज वेरी अर्ली, वो बहुत जल्दी था। बट आप अगर इधर आ रहे हो तो ट्राई करना इन बिटवीन 11 से 12 बजे तक अगर आ जाते हो तो 2 घंटा अगर वहाँ पर कवर करते हो ना बाहर सफारी पे और फिर अंदर आके वॉकिंग करते हो तो आई थिंक ज़्यादातर एनिमल्स दिखते हैं। हम लोग यहाँ पे फिर भी थोड़ा देर रहेंगे जस्ट टू वॉच कि अगर दिखता है कि नहीं, नहीं दिखता है तो फिर वीडियो यहीं पे एंड होगा।
अगर दिखता है तो फिर मैं और भी कुछ दिखाऊंगा, नहीं है तो नहीं, तो फिर नहीं है. बट हाँ, लाइक ओवरऑल अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा था. बच्चों लोग के लिए, फैमिली के लिए बेस्ट है. प्लीज़ आओ, इन्जॉय करो. जैसे मैंने कहा, यूके पे आ रहे हो, अगर आप आते हो बाहर से तो डेफिनेटली सिर्फ लंदन मत घूमो, कहीं और भी घूमो. मैं दिखा रहा हूँ जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं मैं दिखाऊँगा. अगर आपको पसंद आएगा, लिस्ट करो, मेक इट वर्क. ओके, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए गूगल पे सब कुछ मिल जाता है. आना कैसे है, क्या है, कौन सा बस, क्या ट्रेन, सब मिल जाता है. ट्रस्ट मी, यहाँ पे उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, ठीक है ना. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट रहता है, इवन ट्रेन टाइमिंग, एवरीथिंग यहाँ पे एक्यूरेट रहता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम यह है कि आपको चीज़ें लिस्ट करना है कि कहाँ कहाँ जाना है. ये सब चीज़ें आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है ना. ये सब चीज़ें आपको अपना आइटिनरी खुद से बनाना पड़ेगा, कि सिर्फ क्योंकि लंदन, ऑनेस्टली बोलो, लंदन पे आओगे तो मैंने बोला जैसे कि एक दिन लगेगा, बस ख़त्म, एक दिन में ख़त्म. उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है ना. वीज़ा लगाए हो, इतना कुछ किए हो, तो अगर आप आ रही हो तो थोड़ा घूम ही लो, ठीक है ना, अच्छे से घूम लो. बस यही है. अभी नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड प्लीज़, मैं ये बोलता नहीं हूँ बट आई थिंक अभी मुझे लगेगा, मुझे सब्सक्राइबर्स लगेंगे. सो हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. जो भी मेरे से होगा मैं मेरी तरफ से दूंगा, बट आपको कुछ लगता नहीं है सब्सक्राइब करने में, सो प्लीज़ कर देना, सो दैट इट हेल्प्स मी अलॉट. मुझे हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए एंड मोटिवेट करने के लिए भी. सो प्लीज़ 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 डू इट. एंड थैंक यू सो मच इतना देर तक वीडियो देखने के लिए. आई होप आपको अच्छा लगे, एंड नेक्स्ट टाइम और भी कुछ अच्छा लेके आऊँगा. थैंक यू सो मच, बाय देन.